तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए यार, पहले ही मैं डकार ले लिया, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, खाना खा के उठा हूँ। तो यहाँ पे झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि जेसीई सीईबी ने नोटिस जारी किया है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जितने भी करने वाले हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, नोटिस क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, बोला गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में बीएससी नर्सिंग, जिसमें बेसिक और पोस्ट दोनों के लिए, ठीक है, प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 एवं नर्सिंग ANM और GNM प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन से संबंधित अति आवश्यक सूचना है। सूचना क्या है, आपका एग्जाम कब होगा, वो डेट यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं झारखंड के राज्य के अंतर्गत संस्थानों में प्रबंधन नामांकन परीक्षा संचालन नियमावली इस प्रकार है। सीटों का वर्गीकरण देख सकते हैं एक तरफ, ठीक है, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये चीज़ें इन्होंने बताया है, ठीक है। तो चलिए शुरू से बताए देता हूँ क्या आप लोग भी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ। देखिए, ये जो है एक नोटिस है और ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब कि इसमें बोला गया है कि केवल और केवल झारखंड के लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। जब झारखंड के लोगों के आदमी से सीट नहीं फुल होगा, ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट, तब जाके अदर कैंडिडेट को लिया जाएगा जो झारखंड के नहीं है, ठीक है, समझ गए, गॉट इट, कि पहले झारखंड वालों को लिया जाएगा। झारखंड के स्थानीय लोगों का अगर सीट खाली हो जाता है, मतलब नहीं भर पाते हैं, तब जाकर के झारखंड के बाहर के लोगों को लिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बोला है नोटिस में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 के अनुसार सीटों का वर्गीकरण देखिए दो आधार पर किया गया है। सीटों का वर्गीकरण सरकारी संस्थान यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु सीटों का कोई वर्गीकरण नहीं होगा। सभी सीट झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियम अनुसार अनुशंसा के आधार पर पूर्व की भांति भरी रहेंगी, ठीक है, ये बात भी इन्होंने बोल दिया है। आगे देखिए, तो दूसरी इन्होंने बोला है कि गैर सरकारी संस्थान यानी कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन हेतु सीटों का विभाजन 50% मुक्त सीट यानी कि ओपन सीट रहेगा 50% और 50% जो है मैनेजमेंट प्रबंधन सीट यानी कि मैनेजमेंट सीट में होगा, समझ गए इस बात को। आगे बोला गया है कि नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, तो आपका जो है नामांकन हेतु एडमिशन के लिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, पहला इनका बोला गया है कि राज्य के अंतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो पर्षद है कि इसके द्वारा परीक्षा लिया जा रहा है, ठीक है, और इस प्रतियोगिता परीक्षा में आपका इंटरव्यू भी होगा जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, कि प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग किया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद जो है राज्य के निजी यानी कि जितने भी प्राइवेट हैं भागीदार के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है तथा गैर सरकारी संस्थानों में प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में संस्थानों में भी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का आयोजन जो है किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, अब क्या है, कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया है यार, नहीं मतलब आदमी कुछ समझता नहीं, सीखता नहीं और डायरेक्टली बन गया, हाँ हम बीएससी नर्सिंग, सच बता रहा हूँ। मेरे बगल में एक लड़की रहती थी और मैं लैब का काम किया हूँ लगभग 4 साल, तो मेरा सैंपल निकलना था खुद का, मैं टेस्ट कर रहा था कि सकती है या नहीं सकती है, तो उन्होंने चार मतलब वहाँ पे सीएचओ की पोस्ट पर है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, सीएचओ के पोस्ट पर काम कर रही हैं और लगभग 2 साल से कर रही है और बीएससी नर्सिंग की हैं। मैंने बोला कि मेरा सैंपल कलेक्ट कर दीजिए, उनको बोलता है कि मैं नहीं आता है मुझे, बोले भूल गई हूँ। अरे यार गजब बात, आप भूल गए हैं और काम कर रहे हैं कैसे फिर, तो समझ रहे ना, ये कंडीशन आपके साथ नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि लोक निजी भागीदार के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में 50% मुक्त सीट यानी कि ओपन सीट में नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्यवाही की जाएगी। अगला है शेष 50% जो सीट रहेगा यह मैनेजमेंट सीट रहेगी, इसमें नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद का आयोजन किया जाएगा, ठीक है,
और उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 50% सीट पे। तो चलिए अच्छी बात है ये एक तरह से। अगला देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि निर्धारित उत्तीर्ण प्रतिशत निम्नवत होगा, पिछड़ा वर्ग के साथ 40% लिया जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 2, इसमें BC2 हम लोग बोल सकते हैं, इसमें 36.5% रहेगा और BC1 से 34% रहेगा। फिर बोला गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और SC एवं महिला वर्ग से 32% रहेगा। आदिम जनजाति, ठीक है, इसमें 30% और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि WS से 40% रहेगा आपका पास करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। निर्धारित उत्तीर्णता प्रतिशत निम्नवत है यानी कि पास करने के लिए आपको इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, जितना है उसका इतना परसेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है आपका उपरोक्त के आलोक में नर्सिंग पाठ्यक्रम BSc नर्सिंग, ठीक है, और आपका पोस्ट बेसिक, इसमें जो है नर्सिंग पाठ्यक्रम NM GNM के पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में स्थानीयता की बाध्यता या किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे दिनांक 21 तारीख से यानी कि आज से लेकर के दिनांक 29/7 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। आवेदन की नव निर्धारित तिथि निम्न अनुसार निर्धारित की जाएगी, क्या है देख लेती है तिथि। तो यहाँ पे बोला गया है कि BSc नर्सिंग और NM GNM दोनों के लिए, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की पुनः शुरुआत कब होगी, तो 21/7 से की जाएगी, और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति कब होगी, तो 29/7 को होगी यानी कि 29 जुलाई को लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन एडिट कब होगा, ऑनलाइन एडिट, तो एडिट अगर आपका कुछ गलत हो जाता है एड्रेस वगैरह नाम वगैरह में, तो आप यहाँ पे जो है फोटो सिग्नेचर वगैरह कुछ गलत हो जाता है, तो 30 तारीख को सुधार सकते हैं, ठीक है, 30 तारीख को आप सुधार सकते हैं। अब देखिए एग्जाम डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि, तो नर्सिंग और जिसमें NM GNM आ जाएगा, ठीक है, NM और GNM एक्जिलरी मिडवाइफरी और क्या बोलते हैं जनरल मिडवाइफरी, ठीक है। तो NM और GNM का एग्जाम दिनांक दिया गया है कि 13 अगस्त रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे, मतलब कि 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। और BSc नर्सिंग बेसिक का एग्जाम हो जाएगा कितना बजे, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि उसी डेट को आपका 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में एग्जाम होगा। और BSc पोस्ट बेसिक का एग्जाम कितना बजे होगा, तो 13/8 को होगा रविवार उसी डेट पे 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में, मतलब NM GNM का एग्जाम होगा 10 से 12:30 बजे के बीच में, और आपका जो ये हो जाएगा BSc नर्सिंग वालों का बेसिक और पोस्ट बेसिक दोनों के लिए 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में, ठीक है। आगे देखिए बोला गया है कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम होगा, तो जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए नर्सिंग NM GNM का एग्जाम होगा रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, दुमका में, पलामू में, इतना ही जगह पे एग्जाम सेंटर बनाया गया है, ठीक है। ख नंबर में देखिए BSc नर्सिंग बेसिक के लिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका एवं पलामू बनाया गया है, और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए केवल और केवल रांची बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत कम होते हैं पोस्ट करने वाले, ठीक है। BSc नर्सिंग कीजिएगा उसके बाद पोस्ट कीजिएगा ना, तो बहुत उसमें कम होते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अंतिम चीज़ बोला गई है कि वैसे अभ्यर्थी, क्या बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक वर्ष 23-24 के BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक एवं नर्सिंग NM GNM के पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फिर से अप्लाई खोल दिया गया है, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। फिर बोला गया है कि परिषद के विज्ञापन संख्या ये है, और विज्ञापन संख्या ये है कि अन्य शर्तें यथावत रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा। संयम सुविधा की स्थिति में परिषद कार्यालय दूरभाष संख्या है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है ये इनका जो नियंत्रण है परीक्षा नियंत्रण के आदेश से रंजीत हेमरम झारखंड प्रशासनिक सेवा से हैं, JPSC क्लियर किए हुए आदमी हैं, उप परीक्षा नियंत्रक हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी जो कि भी मेरे पास था, ठीक है।